नावाशेवा पुलिस स्टेशन के हाथी में 11 तारीख को 11 मई को एक गुना रजिस्टर हुआ, जिसमें बोलेरो पिकअप टेम्पो जो है वो चोरी गई थी। तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन में एसीपी फोर्थ डिवीजन सिरसागर सीनियर पीआई नावाशेवा भट्टे साहब और उनकी पूरी टीम इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें सामने ऐसा आया कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसके इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि उसने लगभग 9 गुने चोरी के किए हैं। उसमें से लगभग नावाशेवा में 4 गुने दाखिल है, पनवेल शहर में 2 गुने दाखिल है, पनवेल तालुका में 1 है, उरण में 1 है और NRI पुलिस स्टेशन में 1 है। तो गाड़ियां चोरी करना और उसको यूज़ करना, ऐसा ये आरोपी का मोडस था। और उसने एक जो गुना है वो मंदिर में भी चोरी किए है, वो भी इसमें सामने आया है। तो ये जो व्हीकल्स जो उसने चोरी की थे, लगभग 7 व्हीकल्स हमने रिकवर की है। तो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन और अच्छा रिकवरी जो नावाशेवा पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे किया है। आगे भी उसका अभी जो आरोपी है वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है। आगे भी अगर कुछ इसमें और कुछ गुने इसमें निष्पन्न होने की आशंका है तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और इसका खासियत ये थी कि ये जो आरोपी है वो आगे गाड़ियाँ बेचता नहीं था, वो जो गाड़ियाँ चोरी करता था वो खुद या कुछ रिलेटिव या कुछ दोस्तों को यूज़ करने के लिए देता था। तो इसलिए बाकी कोई आरोपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और कुछ घटनाएँ वड़कल पुलिस स्टेशन में भी इसके खिलाफ़ एक गुना दाखिल है, उसमें भी वो वांटेड है। तो ये सब कुल मिला के एक अच्छा डिटेक्शन नावाशेवा पुलिस स्टेशन ने किया है। सर, ये जानना चाहेंगे सर, पकड़ा गया आरोपी जो गाड़ियाँ चुरा कर दूसरे को यूज़ करने के लिए देता था, उसका इंटेंशन क्या था, क्यों दूसरे को यूज़ करने देता था, क्या जाहिर करना चाहता था? वो जाहिर कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका ऐसा था कि लोगों को जो कुछ करीबी लोग हैं उनको यूज़ करने के लिए देता था। अभी ऐसा कुछ इंटेंशन उसका नहीं था कि कुछ इरादे से वो देता था, लेकिन उसको इजीली अवेलेबल गाड़ियाँ जो है वो चोरी करके दोस्तों को देना या ये करना उसका उसकी खासियत थी। तो जो कुछ ये सामने आया है तो इसमें एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया है। पुलिस जिन जिन लोगों के पास से गाड़ियां पकड़ी गई, जाहिर सी बात है कि वो भी पुलिस के फेर में फंस गए हुए, क्योंकि वो चोरी की गाड़ियां थी और वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको भी मुसीबतों का सामना करना हुआ होगा। इंक्वायरी करनी नहीं, अभी इंक्वायरी में पता चलेगा कि इंटेंशन उसका क्या था गाड़ियां लेने का। तो देखते आगे जाके गाड़ी चोरी हुई है।